अभी पीएम मोदी ने यूसीसी का सिर्फ नाम ही लिया है और इस पर गर्मा गर्म विमर्श भी शुरू हो चुका है। ये गर्मी सियासी बयानों में भी नजर आ रही है। इस पर हम आपको राजनीतिक चिंगारियों वाली एक रील भी दिखा देते हैं। कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कॉमन कोड की रिहाई का वक्त आ गया है और अब आज जब रिहाई का वक्त आ गया है तो कुछ लोगों की परेशानी का भी वक्त आया। हम तो कांग्रेस पार्टी से सबसे पहले कहना चाहेंगे कि वो स्पष्ट करे कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है। ये यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। देश में एक कानून दो तरह से दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए दो कानून कैसे होगा? देश में, देश के अंदर दो लोगों के लिए भी एक ही कानून होगा, दस लोगों के लिए भी एक ही कानून होगा। आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। आ जाइए, इनफ इज इनफ। इस वक्त लॉ कमीशन से इस मसले को दोबारा उठाने की कोशिश, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमान हिट होंगे। कुछ लोग जो केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति की दुकान चलाते हैं वो इससे काफ़ी विचलित है। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनसे पूछना चाहिए कि क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म ही है, समान ही है, क्या क्रिमिनल कोड अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए? समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और पूरा देश चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो तीन प्रमुख मुद्दे थे उसमें ये हमारा सामान्य नागरिक संहिता भी था। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी अपडेट न्यूज मित्रों को हम दे देते हैं, जिसे सुनकर शायद आप चौंक भी जाएं। जिस आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं, वो आम आदमी पार्टी ही सबसे पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने यूसीसी पर केंद्र का सपोर्ट किया है। आज आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर आम आदमी पार्टी का केंद्र को सैद्धांतिक रूप से समर्थन है। आप नेता के मुताबिक अनुच्छेद 44 भी समान नागरिक संहिता की बात करता है, लेकिन सभी हितधारकों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। यानी बीजेपी को ऐसी जगह से समर्थन मिला है जिसकी उम्मीद तो शायद उसने खुद भी नहीं की हो। देखिए, सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों से, सभी गैर राजनीतिक दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बैठकर इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करके इसको ही आगे जाना चाहिए। सामूहिक सहमति बनने के लिए बातचीत शुरू करना होगा, तो जो भी विरोध कर रहे हैं उनके सबके साथ बैठना चाहिए। इतना समय, अगर इसमें थोड़ा और समय लग जाए पर अगर सहमति सभी में बन जाए तो वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।